कुछ ऐसे ऐसे फिर से ऐसा उंगली चेंज करे, नहीं आता, नहीं आएगा। एंड मोटिवेशन का जो बोला है, मिला मोटिवेशन। सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया के एक और नए मिक्स रिएक्शन वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो हमारे सम्राट भाई की है। आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। तो आज की वीडियो आपके लिए काफी कॉमेडी होने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया पे फिर वही अत्याचार मचा हुआ है और उन्हीं का रोस्ट करते हुए हमारे सम्राट भाई ने एक और न्यू वीडियो लाई है, जिसको देखकर आप काफी इंजॉय करेंगे। और भाई, आजकल सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचेंगे कि आजकल ये सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के न्याय करो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को भी और मुझे भी। और ऑल रिएक्टर्स एंड ओरिजिनल वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो एंड साथ में ऑल रिएक्टर्स के एक साथ रिएक्शन देखिए। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। ओ हुजूर, तेरा 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 शुरू। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। तो क्या हाल है? वेलकम टू द ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ न्याय करो, तुम न्याय करो। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई यार हर फ्राइडे की बोल के गोली दे के चले गए। ना ना, ऐसा ना है, थोड़े बिजी चल रहे थे यार हम। अब जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता ही होगा भाई कहाँ बिजी चल रहा था। साल फॉलो नहीं कर रहे हो तुम लोग। हमारा पुराना अकाउंट डिलीट ना हुआ होता तब तक तो लाख कप के हो गए होते। पाप पड़ेगा पाप। अच्छा खैर, जमाना बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, हम भी बदल रहे हैं, हमारा लोकेशन भी बदल रहा है, लुगाई भी बदल रही है। देख तो ना रही। अरे ए मारो इसको। खैर, इस बदलाव के मौसम में हर चीज बदल रही है, लेकिन नहीं बदली है तो सिर्फ एक चीज, वो है लोगों की बकचोदी। ये नहीं मानेंगे भाई साहब, लिख के ले लो, ये नहीं मानेंगे भाई। मैं जब भी सोशल मीडिया की खाक छानता हूँ ना, तो लोगों की हरकतें ना मुझको मजबूर कर देती है वीडियो बनाने के लिए। अब आप मुझको ये बताओ, ये क्या ट्रेंड है? ये बताओ, पादने की एक्टिंग कर रही है? अरे एक्टिंग की क्या जरूरत है, सच में ही पाद दे, पाद की उधर हगी दे। और वैसे भी लोग सोशल मीडिया पे हगी तो रहे। अब तुम मुझे सच सच बताओ, ये क्या शौक है लड़की की? एकदम कड़क माल है ना। बस सुन क्यों रही है, चाटी ले, घनो स्वाद आ रहा है। पता नहीं है क्या शौक पाल रखे लोगों ने। न्याय करो, तुम न्याय करो। इसको देख के आप सोच रहे होंगे कि यार ये बंदी क्या कर रही है। ना 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 ना, ना। असली जहरी ये नहीं है, असली जहरी है ये बंदी। भैया राहुल, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, या छुरी तू ले जा। तू एक काम कर, मेरे मायके भी ले जा, ले। अबे हद मचा रखी है यार, ने झटके ही ना दे रही। अबे यार लेवल को जहर उगल रही है यार ये सोशल मीडिया पे। राहुल, ये लड़की तेरे से इतना प्रेम करती है भाई साहब, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। इसने ना अपने बगल की नस काट ली है तेरे लिए, और उस खून का एक एक कतरा सिर्फ तुम्हारा ही नाम बुला रहा है राहुल। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लड़की राहुल के पीछे पागल है। अब बताओ यार, इसको क्या कहोगे? राहुल मजे तो बेटा तेरे ही है। बे साले, तेरे संग मैं ब्याह कराऊं, तेरी जान कसम तुझे चाहूं। हिंदुस्तानी लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं। ए आप वीडियो के बीच में क्या करने लगे? मेरी नॉलेज से प्रोवो ऐप पर पैसे कमा रहा हूँ। प्रोवो, ये क्या है? प्रोवो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप हाँ या ना में जवाब देकर बहुत बड़े प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। आपने कितना कमाया अभी तक? देख, अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टेस्ट मैच में प्रोवो पर एक सवाल था कि रविंद्र जडेजा क्या 5 विकेट से ज्यादा लेगा, तो मैंने हाँ में जवाब दिया था और देख मैं जीत गया था। ये तो बड़ी मजेदार ऐप है। हाँ, प्रोवो पे कई सारे तरह के कैटेगरी है, जैसे एंटरटेनमेंट, क्रिप्टो, फाइनेंस और भी इसी तरह की बहुत सारी। तो जैसे अभी ये क्वेश्चन है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से क्या टेस्ट सीरीज जीतेगा, बता तेरी क्या राय है? हाँ, क्यों नहीं जीतेगा, अपना इंडिया नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? देखो मैं यस में सेलेक्ट किया है और क्वांटिटी स्लाइडर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर अपना जवाब दिया है। अगर मेरा जवाब सही हुआ ना तो मैं जीतूंगा रियल कैश। ये पैसे कैसे निकलेंगे? भाई गूगल पे, पेटीएम, कार्ड की मदद से बड़े आसानी से पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। और यही नहीं, मैच के दौरान अलग अलग सवालों के जवाब देकर आप और भी ज्यादा कैश देकर इंस्टेंट कैश विड्रॉ करा सकते हो। ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो अब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे तो रखी है। और डाउनलोड करने पे 25 रुपए तक का आपको वेलकम बोनस मिलेगा। 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रोमो पे अपना ओपिनियन देकर पैसे कमा रहे हैं, तो आप किसका वेट कर रहे हो? राहुल तो फिर भी राहुल ही है। कहते हैं ना, सच्चा प्यार भाई साहब किस्मत वालों को ही मिलता है, तो किस्मत वाला अमन भी है। अमन की गर्लफ्रेंड देखना क्या क्या लेके आई अमन के लिए। अमन, आई लव यू।
कैसे हो आप? ठीक हो ना? और आपकी बहुत याद आ रही है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। अब भैया राहुल और अमन सुख शांति तो रहे, हमें और किसी को क्या ही आपत्ति है। हम तो बस यही ईश्वर से कामना करेंगे कि भगवान इनकी और राहुल और अमन की जोड़ी सदा बनाए रखे। आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, देखो स्कूटी आपको देने के लिए। भाग यहाँ से। वैसे आपत्ति से मुझे याद आया, मुझे ना इस बंदे से बड़ी आपत्ति है। राहुल और अमल के बाद अगर कोई बंदा ट्रेंड में है ना, तो भाई साहब वो यही है। अबे ये सब देख के मेरे पैर की कन्नी उंगली भी मुझे गाली देती है भाई साहब। अबे क्या कमी रह गई थी हम में? ये लौंडा साला ऐसा कौन सा सुख दे रहा जो हम नहीं दे पाते? ये ओवरसाइज थैला चार कदम चलने पे तो हाँप जाता होगा। लड़कियों का भी कमाल है यार, टेडी बियर समझ से किसी से भी लिपट रही है। यार ऐसी बात थी तो हमें बताते, हम भी मोटे हो जाते। अबे जॉनी सिंस पे भी इतनी बंदियां नहीं है यार जितना ये बंदा लेके घूम रहा है। चढ़ाले बेटा चढ़ाले, जनता माफ नहीं करेगी। साला कैमरे को नीचे करवा रहा यार। अबे हम देख लेते तो तेरा क्या चला जाता। अबे बहन के पहरे लोमड़े, कौन सी कंपनी का अगरबत्ती चलाता है तू? मैं बता दे भाई यार, थोड़ा हमारा भी भला हो जाए। मैं अपने चैनल पे अपने भाइयों को बता दूंगा, इनका भी भला हो जाए। बस 100 बात के 1 बात, लड़कियों को इतना प्रेम उमड़ क्यों रहा है यार, मुझे इस बात को जानना है। अबे वो पहले से ही फुल चार्ज है, ओवरलोड क्यों कर रहे हो उसको? अबे फट जाएगा, मान जा। मुझे तो लगता है अपने घर का राशन तो एक अकेला ही खत्म कर देता होगा। भाई सच बताऊं, ये वाला ट्रेंड ना सच में तेरे लिए है, और इसमें तुझे एक्टिंग भी नहीं करनी। पर थोड़ा ना संभल के करियो, कहीं ऐसा ना हो तो अपने घर की छत उड़ा दे। कड़क मालिक है ना, भगवान ही मालिक है भैया, भगवान ही मालिक है। वैसे भगवान से मुझे याद आया, भगवान ने सिर्फ 2 ही लोगों पर खास नजर रखे हुए, एक तो ये भाई, ये तो अलग जोन में चला गया, और दूसरा ये छुछुंदर। वैसे दुनिया में इतना कम है, ये और देने चला आया। अबे कचूमड़ी केकड़े, तेरे वजह से कुछ गिर जाए, यू जो पीछे आंटी आ रही है बच्चे को लेके, ये गिर जाए, बता कौन जिम्मेदार रहेगा? इसके साले को वीडियो बनानी है। अबे ज्यादा ही खुजली है तो घर में ही बना ले, पर ना यू घी का मुर्गा तो भीड़ में ही नाचेगा। बेटा ये ताऊ है ना, तेरे प्यार की रुत बिगाड़ देगा, मैं बता रहा हूँ, बता क्या इज्जत रह गई। अबे तुम किसी और देश में होते तो तुमको अब तक हिंजड़े उठा के ले गए होते, अब भी कोई ले जाओ इसे। न्याय करो, तुम न्याय करो। देखो यार ये सब गलत है, पब्लिक प्लेस में ये सब काम मत करो। अब यार मैं इसको क्या ही बोल रहा हूँ, ये ताऊ कौन सा कम है? रात ताऊ क्यों डर पा रहा है, पीछे औरत बैठी है, डर जाएंगी, रात को बुरे बुरे सपने आएंगे उन्हें, मान जा। ना मान रहा भाई, कोई ना मान रहा, ये साला टिकटॉक का गया, पूरे देश को नचनिया बना गया। अरे भैया नाचो, खूब नाचो, अपने घर के अंदर नाचो। सच बताऊ ना यार, इन्हीं सब चीजों की वजह से मेरा दिल बैठ जाता है, और मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, और जब मैं डिप्रेशन में जाता हूँ तो फिर मैं और वीडियोस को देखता हूँ मोटिवेशन लेने के लिए, फिर साले मुझको ऐसी मोटिवेशन दे रहे हैं। ऑलवेज रिमेम्बर Your past is done, so forget it. अबे मोटिवेशन है? अबे ये देखने के बाद मेरी आंखों को बवासीर हो गया यार। And your present is now, so live it with no regrets. इसके सास का स्क्वायर रूट मारूं? Why are you gay? भाई तू पहले खुद मोटिवेशन ले ले। अबे किसी नॉर्मल इंसान को इसकी वीडियो दिखा दो, वो तो साला कोमा में चला जाएगा। सच बताऊं ना यार, मोटिवेशन आदमी को कहीं से ही मिल सकती है, चाहे उसे वो लैंग्वेज आती भी क्यों ना हो। अब जैसे कि आप इसको देखो, मैं सच बता रहा हूँ, आप भी मोटिवेट हो जाओगे। मोटिवेट हुए ना, हुए ना, मैं पहले बोल रहा था। अबे लैंग्वेज की तो जरूरत ही नहीं है, इसने जो कुछ भी बोला समझ में तो नहीं आया, पर दिल के ना बड़ा अच्छा सा लगा है ना। तो एक काम करो, एक बार और देख लो। रेसिकोनया तिंगी बांगत गाइस, किता का सिनेमा पहाड़ी के गिरी सर। बस रुक जाओ, इससे ज्यादा मोटिवेशन मत लो। लोगों को अगर तुम ज्यादा ही खुश दिखे ना, तो लोग तुम्हें नजर लगा देंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी पब्लिक को कोई नजर लगाए, उसकी ननिया तोड़ देंगे। बाकी लोग गर्लफ्रेंड बना रहे, शादियां कर रहे, और ये सब देखकर तुमको बुरा लग रहा, आई नो दैट, पर विश्वास मानो मेरे दोस्त, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए भी ऑफर लाया है। जो भी आपको प्रेग्नेंट करेगा क्या दोगे आप? 2.5 लाख रुपए दोगे? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ, जाओ 2.5 लाख कमा लो, बार बार नहीं मिलेंगे ऐसा ऑफर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। तो फिर चीजें आपको अच्छी नहीं लगती है ना, तो आप मजा आता है, अदरवाइज जब आप खुद डिस्टर्ब रहो और चीजें तो आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो ये मैंने चीजें तब की देखी हुई है, तो पुरानी ही चीजें हैं। तो मुझे याद है जो राहुल नाम का उन्होंने कहा ना, तो हमारे एक भाई राहुल भाई थे, जब हमारा बिल्कुल न्यू चैनल स्टार्ट किया
तो जब हमें 100 व्यूज एंड हाँ 0 कमेंट होते थे तब, तो पहला हाँ पहला कमेंट किसी और बंदे का था, तो एक राहुल नामी था, बच्चा टाइप था, बच्चा टाइप मीन्स की मुझसे छोटे, वो मुझे दीदी दीदी बोला करते थे, तो वो शायद अभी भी देख रहे हो, तो अब उनकी तरफ से जितना है तो वो एप्रिसिएशन टाइप लगता था उस टाइम पर, उनकी ना हर वीडियो पर एक कमेंट था गुड नाइट हैव अ स्वीट ड्रीम्स, तो वो भाई इतने वो कमेंट्स किया करते थे, और एंड तब उन्होंने कमेंट में बताया था कि वो 9th क्लास के स्टूडेंट है एंड ये वो, तो उस टाइम पर उनका वो चीज ने मुझे हमें बहुत मोटिवेट किया हम तीनों को ना, तो अब यार मेरा दिल चला सारी मुझे वो सारी चीज याद आ गई राहुल के, राहुल तो याद आ रहा है, इतना एक्साइटेड हो जाते थे जब आपके कमेंट्स आते थे ना शुरू शुरू पर, हम उस पर डिपेंड आई मीन को तब 9th स्टैंडर्ड का राहुल ना गौर से तभी भी नहीं आता, वो ऐसे करते हैं पहले कुछ ऐसे ऐसे फिर से ऐसा उंगली चेंज करे नहीं आता नहीं आएगा, एंड मोटिवेशन का जो बोला है मिला मोटिवेशन मिला इंस्टाग्राम पे इसी के लिए जाते हो यार तुम लोग, मुझे पता है मुझे थोड़ी ना मतलब, अगर मैं कभी कभी है ना क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स होते हैं ना, तो अगर मेल फ्रेंड्स हैं तो उनके मोबाइल चेक करती हूँ, या मोबाइल चेक नहीं लेकिन कभी कभी उनके इंस्टाग्राम के बोर होता है तो मेरे तो उनके सर्च फीड पे जाती हूँ, भाई साहब लड़कियां इतनी भरी हुई रहती, और फिर ऐसी वैसी लड़कियां नहीं वैसी वाली सारे के सारे, लेकिन क्यों है मैं उनको पूछती हूँ क्या देखते रहते हो लोग तुम दिन भर, व्हाट इज दिस इवन यू डूइंग, हाँ जिससे मोटिवेशन मिलते हो लेते हो भाई साहब तुम लोग सारे है ना क्या। तो बस आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, अगर एंजॉय किए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जाने से पहले गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को और मुझे दोनों को, और ऐसे ही किसी भी वीडियो का मिक्स सेक्शन देखने के लिए आप मुझे उस वीडियो का नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो का मिक्स सेक्शन आपके लिए जल्दी इस चैनल पर ले आऊंगा, मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक और नए मिक्स सेक्शन में, तब तक के लिए बाय गाइस।